कप आटा, और इसे मैं अभी छान लूंगी। तो आटा को मैं डाल दी छन्नी में, और इसमें अभी हम डालेंगे 1 स्पून ये बेकिंग पाउडर, 1 स्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे इसमें, और हाफ स्पून ये बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, तो इसे भी इसमें डाल देंगे। और अभी हम इसे छान लेंगे, अभी इसे हम छान लेंगे। और थोड़ा सा सॉल्ट यानी नमक, थोड़ा सा सॉल्ट हम इसमें डालेंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और अभी हम 1 कप गुड़ ली हूँ, उसे मैं अभी पैन में डाल दूंगी, और उसमें 1 कप पानी में ऐड करूंगी। देखिए 1 कप पानी ऐड कर दें और इसे अच्छी तरह से उबाल लें। मिक्स करना है उसको, चाशनी नहीं बनाना है, जस्ट गुड़ और पानी मिक्स हो जाए तो हम बंद कर देंगे। और इसे अभी हम थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो इसे छान लेंगे। अभी हम इसे छान लेंगे। और इसमें अगर कुछ होगा तो निकल जाएगा। ये मेरा काला रंग का गुड़ है तो काला हो गया, आप चाहें तो व्हाइट सफेद गुड़ जो आता है उसे ले सकते हैं, या सबसे बेस्ट होगा आप अगर लिक्विड वाला गुड़ आता है जो पानी वाला गुड़, वो वाला ले तो बहुत ही अच्छा होगा। मैं 1 कप तेल ली हूँ, रिफाइन ऑयल सनफ्लावर, और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। मैं आटा में डाली हूँ, और अभी हम ये जो गुड़ का पानी बना के रखे हैं इसे थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे। एक सेट नहीं लिया डालना है, एक सेट डालने से वो शायद ज्यादा लिक्विड ही हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए थोड़ा थोड़ा कर। अभी हम 5-6 ड्रॉप डालेंगे, 1 स्पून ऐसा डालेंगे वेनिला एसेंस, आप चाहें तो महक के लिए भी, इसके टेस्ट के लिए अच्छा स्मेल आता है तो डाल रही हूँ, आप अगर चाहें तो छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, लेकिन डालने से केक का अलग सा ही एक बहुत अच्छा महक आता है। देखिए ये ऐसा ही आ गया है। कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ, इससे इसका बहुत अच्छा टेक्सचर और टेस्ट बहुत अच्छा बढ़ जाता है, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, तो आप चाहें तो डाल सकते हैं। इस टेस्ट के लिए ही मैं डाल रही हूँ, अगर चाहें आप स्किप भी कर सकते हैं। इन सबको एक डायरेक्शन में हमें मिक्स करना है, सख्त होगा तो केक हमारा हार्ड हो जाएगा। तो ये मिक्सर पूरा हो गया है, देखिए कितना अच्छा हो गया है। देखिए मैं इसे एक प्रेशर कुकर ले रही हूँ और इसको अभी हम प्री हीट करेंगे। देखिए इसका लिड का जो रबर है हमें निकालना है और विसिल भी निकाल देना है। और अभी हम इसमें जिसमें हम बनाएंगे उसको थोड़ा सा ग्रीस ऊपर, आप चाहे एक थाली भी उल्टा करके रख सकते हैं या कटोरा भी। मैं ऐसा ऐसे एक स्टील का बर्तन ली हूँ, अभी हम इसमें तेल डाल देंगे और चारों तरफ अच्छी तरह से लगा देंगे। और अभी हम इसमें आटा थोड़ा सा डाल देंगे, और इसे प्री हीट होने के लिए रख देंगे। देखिए इसे मैं इसे प्री हीट होने के लिए ऐसे ही इसको रख दूंगी, ढक दूंगी, और इसे प्री हीट होने के लिए 15 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, इसमें थोड़ा सा आटा डाल देंगे
और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ऐसे करने से वो नीचे बैठ नहीं जाएगा ड्राई फ्रूट्स, और अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा हमारे केक के मिक्सचर में। तो अभी हम इसमें डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। अच्छा भी दिखेगा और टेस्ट में भी अच्छा लगेगा। और थोड़ा सा टूटी फ्रूटी भी डाल देंगे, अट्रैक्टिव लगेगा, बच्चों को दिखने में अच्छा लगेगा। और क्रिसमस स्पेशल है तो थोड़ा सा डेकोरेट अच्छा लगता है। देखिए ये हो गया, अभी हम इसे बिठा देंगे प्रेशर कुकर में। देखिए ये पूरा गर्म है, धीरे से हमें इसमें बिठा देंगे। और इसे स्लो फ्लेम में हम 30 से 35 मिनट के लिए इसे यहीं पर रख देंगे। और बीच बीच में हम खोल के देख लेंगे कि ये हुआ है कि नहीं। अभी हम इसे ऐसे बंद कर देंगे ढक्कन को, और ऐसे ही हमें रखना है 30 से 35 मिनट के लिए। बीच में खोल के देख लेंगे, अगर हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो और 10 मिनट के लिए हम बिठा देंगे। देखिए अभी मैं खोल के देख रही हूँ, ये हो गया है। अभी हम इसे बाहर निकाल लेंगे, और मैं थोड़ा टूथपिक डाल के देख रही हूँ। देखिए टूथपिक में नहीं लग रहा है, ये हो गया है। अभी हम इसे बाहर निकाल लेंगे एक प्लेट में, और ये कितना आसानी से निकल भी जाएगा। और देखिए इसको उल्टा कर दे रही हूँ, थोड़ा टैप कर देने से अच्छे से निकल जाता है। देखिए बहुत सॉफ्ट और अच्छा है, आटे का है, मैदे का होने से वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, आटे का है तो हेल्दी है। और आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए घर में, बहुत टेस्टी है। मेरे बच्चे तो खुशी से खा गए, अगर बहुत स्पंजी और सॉफ्ट भी बना है। और आप बना के ट्राई कीजिए, अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।